दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और मेल भी कर रहे हैं कि मैं बस यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, शायद ही आप आगे से मुझसे ये चीज़ें पूछें। पहले तो चीज़ ये है, मेरा जो चैनल है वो टिकटॉक है, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं मैं उसको कवर करता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन फ़ोटो सेल के बारे में करता हूँ कि आप ऑनलाइन फ़ोटो सेल कर सकते हैं, तो यहाँ सबको फ़ायदा होता है। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस यूट्यूब से ही पैसा कमाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन हर जगह से अर्निंग्स करना चाहते हैं। अगर मैं नई अपडेट्स बताता हूँ, नई AC निकल रही है, नए मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, नई कोई अपडेट्स है आपकी रियल लाइफ में, जैसे कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी कवर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बस यूट्यूब के बारे में ही वीडियो बनाऊँगा तो आप बोर हो जाएंगे, और उतना टॉपिक का एक ही वीडियो कितना बनाऊँ। एग्जाम्पल के लिए जितने भी बड़े यूट्यूबर बात करूँ या जिनके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ 4000 घंटे वॉच टाइम के बारे में, तो वो सटीक तो बताएंगे एक ही वीडियो में, लेकिन उसी टाइप का कम से कम तो 20, 25, 30 वीडियो एक ही टाइप का बनाते हैं। वो महीने में 3-4 तरीके से वही वीडियो अपलोड कर देते हैं, और वो ज़्यादातर मिसलीडिंग थंबनेल डालते हैं जिससे उनके वीडियो पे व्यूज़ आते हैं। एग्जांपल के लिए अगर वो फेस बना के ऐसे डालते कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, डिलीट हो गया, डिसेबल हो गया, फिर जब वीडियो आप प्ले करते हैं तो देखते हैं वो किसी और चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, वो खुद के चैनल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सीधा क्लिक बेट करते हैं आपसे व्यूज़ पाने के लिए। पर आप जब वीडियो प्ले करते हो तो कुछ चीज़ें और नज़र आती है, वीडियो प्ले करते हो तो आपको पता चल जाता है ये चीज़ें तो मुझे पहले से ही पता है, फिर ये वीडियो मैं क्यों देख रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से मैं जो टॉपिक वीडियो लाता हूँ यूट्यूब के लिए, तो बहुत सटीक चीज़ें लाता हूँ चुन चुन के, जितनी भी रिसर्च करता हूँ वो सारी चीज़ें बताता हूँ, कोई भी नए अपडेट्स आते हैं उसके बारे में बताता हूँ, और जितनी भी सारे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, सारी मैं चीज़ें बताता हूँ, लेकिन एक दो वीडियो में कवर कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं, अगर मैं यहाँ पे वॉच टाइम की बात करूँ तो 40-50 वीडियो डाल दूँ, तो ये मतलब नहीं है। डेली मैं कचरा नहीं फैला सकता, लेकिन कुछ टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ, और भी मैं वीडियो बनाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल में थंबनेल कैसे बनाएं, आर्टिकल 15 का मतलब क्या होता है, Xiaomi और Redmi में अंतर क्या होता है, Vivo V15, इतनी सारी वीडियो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, लेकिन ये सारे को नॉलेज देती है, सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाती है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उनको पता है क्या वैल्यू वीडियो की होती है। मैं कोई भी फेक तरीके का क्लिकबेट नहीं करता हूँ, जो वीडियो का टॉपिक है वही मैं थंबनेल में रखता हूँ, वही चीज़ें मैं बताता हूँ जो लोगों को काम आती है। अब YouTube क्रिएटर्स के बारे में बात करूँ, जितने भी YouTube क्रिएटर्स हैं उनके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ YouTube का, वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स का, वहाँ जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखिए आपके काम आएंगी। और मैं बीच बीच में वीडियोस लाता रहता हूँ और अच्छी लाता हूँ, आपको देखने के बाद लगता होगा हाँ ये जो वीडियो बना है अच्छा बना है, और उस पर रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, लाइक्स भी अच्छा मिलता है, जो लोग देखते हैं, अगर सेटिंग्स के बारे में बताऊँ जो लोग सेटिंग्स अप्लाई करते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है। मैं कोई ये नहीं बोलता कि आप फेसबुक जाके अपना वीडियो शेयर कीजिए, एक्सटर्नल व्यूज़ लाइए, स्पैम कीजिए, अपना चैनल बंद करा दीजिए, ये सब नहीं, जो रियल तरीका है वही सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ बताना था कि मैं एक ही टॉपिक की वीडियो नहीं अपलोड करता, जो रिक्वेस्ट करते हैं कि यूट्यूब का वीडियो पर चले वो खुद बोर हो जाएंगे कि एक ही टाइप का वीडियो क्यों डाल रहा है। तो टिकटॉक के चैनल पर मैं हर तरीके से वीडियो अपलोड करता हूँ, जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी काम आ सकें, जितनी भी ऑनलाइन अर्निंग्स रिलेटेड है, यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे हर तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, आप मुझसे जुड़े रहिएगा। हाँ, अगर कोई आपको दिक्कत है आप मुझे मेल या मैसेज कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन देता रहता हूँ, या फिर इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा, संडे को Q&A करूंगा, सारे जो क्वेश्चन होगा सबका आंसर मैं देके अलग से वीडियो बना दूंगा। आज की इस वीडियो में बस दोस्तों इतना है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी बहुत बड़े टॉपिक के साथ, धन्यवाद।